तो आपने देखा मैंने किस तरीके से स्ट्रीट व्यू क्रिएट किया और कितनी बढ़िया तरीके से ये वर्क कर रहा है। तो ये मैंने कैसे किया भैया? ये मैंने किया है एक ऐप के जरिए जिसका नाम है गूगल कैमरा। इस तरीके की ऐप है, कुछ आप देख सकते हैं, मैं इसका लिंक दे दूंगा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में। इसे बड़ी इजीली स्ट्रीट व्यू में क्रिएट कर सकता हूं। प्लस इसी ऐप की मदद से आप अपने बैक कैमरे से पोर्ट्रेट मोड में भी फोटोज खींच सकते हैं, चाहे आपका शाओमी का फोन हो या फोन हो किसी दूसरी कंपनी का। तो इसका लिंक मैं आपको दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। और आइए तो बस बिना टाइम खराब करे वीडियो को शुरू करते हैं और मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे आप स्ट्रीट व्यू क्रिएट कर सकते हो अपने घर पे अपने दोस्तों को दिखाने के लिए। और प्लस आप इसी कैमरा ऐप से अपने सिंपल कैमरे वाले फोन के जरिए पोर्ट्रेट मोड में फोटो ले सकते हो। तो चलो यार बिना टाइम खराब करे वीडियो को शुरू करते हैं। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए सब्सक्राइब, दबा दीजिए बेल आइकॉन ताकि जब भी मैं ऐसी वीडियो आपको मिलता रहा उसका नोटिफिकेशन। तो आओ यार देख लेते हैं फटाफट से कि कैसे स्ट्रीट व्यू बना सकते हैं। पहले अपने कैमरा को ओपन करेंगे गूगल कैमरा और उसके बाद सीधे इसमें एंटर होने के बाद सेलेक्ट करेंगे सबसे ऊपर वाला ऑप्शन। मैं दिखाता हूँ ये वाला ऑप्शन जो है फोटो स्पेयर वाला, इसमें जाएंगे अंदर और ये बीच की डॉट आप देख रहे हैं जो सर्कल है इसे इस पर लेकर आएंगे। सर्कल इस पर आने के बाद साइट में इमेज खुलेगी। अब ये साइट वाले डॉट पर लेकर जाना है अपने कैमरे को मूव करके कुछ इस तरीके से। और ये फोटो क्लिक होने के बाद एक और आगे डॉट आएगी उस पर जाना है, हाँ ये वाली डॉट। ऐसे ही ये सेकंड डॉट, थर्ड डॉट और ऐसे जितनी डॉट आएंगी इन सब के ऊपर जाकर फोटोज को क्लिक करना है ताकि हमारा स्ट्रीट व्यू अच्छी तरीके से बन सके। मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। तो बस हमारा स्ट्रीट व्यू बनकर तैयार हो गया और ये प्रोसेसिंग हो रही है, फोटो पर प्रोसेसिंग हो रही है। प्रोसेसिंग कंप्लीट, ये प्रोसेसिंग कंप्लीट और बस हम इसे देखने के लिए रेडी हैं। इस पर क्लिक करके इसे ओपन करेंगे, ये ओपन हो जा, ओपन हो गया स्ट्रीट व्यू। अब इसे हम अपनी उंगली से स्लाइड कर देख सकते हैं या फिर हमारे पास दूसरा ऑप्शन भी होता है, हम इसे सेंसर की मदद से हिलाकर भी देख सकते हैं। देखो कितना बढ़िया तरीके से, मतलब सिर्फ एक एंड्रॉयड फ़ोन से क्रिएट किया है मैंने इसे, कोई बढ़िया कैमरा डिजिटल DSLR या कोई दूसरा कैमरा यूज़ नहीं किया, अपने एंड्रॉयड स्मार्टफोन रेडमी नोट 5 से क्रिएट किया है इसे। आप देख सकते हो कौन सी ऐप है, क्या ऐप है, इसके बारे में आपको बता दूंगा और इसका लिंक दे दूंगा मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। इस टाइम ये सेंसर पर मूव कर रहा है, आप देख लो कितनी बढ़िया तरीके से आपको स्ट्रीट व्यू दिखा रहा है। तो बस अब देखते हैं सेकंड पार्ट की किस तरीके से आप इसी ऐप की मदद से पोर्ट्रेट मोड में फोटोज ले सकते हो अपने सिंगल कैमरे से। पोर्ट्रेट मोड में फोटोज लेने के लिए आपको सिंगल कैमरे से सिंपली लेंस ब्लर पर जाना और इस तरीके से फोटो क्लिक करनी है। उसके बाद ये आपको ऑप्शन दिखा देगा, कैमरा थोड़ा सा ऊपर स्लाइड करना होगा, ऊपर स्लाइड किया और ये फोटो क्लिक। इसके बाद ये देखो आप चल रही है फोटो पे प्रोसेसिंग, इमेज प्रोसेसिंग इमेज और इमेज प्रोसेस। थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि फ़ोन से इमेज प्रोसेसिंग होती है, ब्लर मोड करने के लिए ऑटो डिटेक्ट करता है हर एक चीज़ को, तो टाइम तो लगता है पर क्वालिटी भी उतनी अच्छी निकल कर आती है। अब देखो ये इमेज प्रोसेसिंग कंप्लीट और ये पोर्ट्रेट मोड जिस तरीके का निकल कर आया, देखो अच्छी तरीके से हर एक चीज़ को ब्लर कर दिया इसने। उसके बाद आप इसे एडजस्ट भी कर सकते हो कुछ इस तरह से, ये देखो कम ज़्यादा बढ़ा सकते हो आप ब्लर को अपने हिसाब से। तो बस तो मैंने आपको दिखा दिया कि किस तरीके से मैंने पूरा स्ट्रीट व्यू क्रिएट किया अपने घर में बाहर और किस तरीके से मैंने पोर्ट्रेट मोड में फोटोज लिए अपने फोन के सिंगल कैमरे से। आप भी ऐसा कर सकते हैं, फटाफट से जाइए आप भी जाइए ऐप को डाउनलोड कीजिए, बनाइए स्ट्रीट व्यू, चौंकाइए अपने दोस्तों को और कर लीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, और लाइक भी कर दीजिए क्योंकि आप तो आई होप कि अब आप आसानी से फोटोज ले पाएंगे अपने फोन के सिंगल कैमरे से पोर्ट्रेट मोड पे और स्ट्रीट व्यू ही आपको बनाना आ गया है।
तो बस मिलते हैं अपने किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, मिलते हैं अपने किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।